हाय फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है कंपैरिजन वीडियो है जेबीएन रॉक डीजे का जेब्रोनिक्स 2X15L डीजे प्रो स्पीकर के साथ। चलिए अभी हम जेबीएन रॉक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जेबीएन रॉक का डीजे स्पीकर है। पहली बात तो ये है जो इसकी जो लुक है कितनी प्यारी लग रही है। फ्रंट साइड की जब लाइट जो ग्लो हो रही है उससे एक ना आकर्षण सा होता है इसके स्पीकर के प्रति, तो स्पीकर काफी प्यारा लग रहा है। अगर हम इसके इसकी बात करें ड्राइवर यूनिट की, जैसे आप देख रहे हैं ना ये 10 इंच के हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये 10 इंच के हैं। बाकी यहाँ ट्विटर लगे हुए हैं 5-5 इंच के, तो काफी प्यारा लग रहा है डिजाइन। और वाकई में जब इसको प्ले करते हैं तो काफी मजा आता है। इसका जो एमआरपी है वो 24,400 रुपये है। एक साल की मैन्युफैक्चर वारंटी होती है। और बाकी आपको बताना चाहूंगा, एक जो मैन्युफैक्चरर है इस पे ऑन साइड वारंटी देता है, और जो वारंटी भी होती है एज पर मैन्युफैक्चर पॉलिसी के अनुसार होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का बटन है, ये 5 बैंड इक्वलाइजर है, इसे मास्टर इक्वलाइजेशन कहते हैं। इसको अपने अनुसार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी ऊपर की तरफ है। यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, यहाँ मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये देखिए माइक इको कंट्रोल, आप इस पे इको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये माइक का है। कई और पूछते हैं टिंकू भाई ये किस चीज के लिए, ये माइक का है। माइक का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए मोड बटन है। ब्लूटूथ चलाना है, पेन ड्राइव चलाना है तो उसमें आप चला सकते हैं। बाकी वाकई में पीस काफी अच्छा है। अलग अलग से आप दो माइक लगाना चाहें तो दो माइक आप लगा भी सकते हैं। ये देखिए ये बेस और ट्रेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी आप बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। मेरे को तो काफी अच्छा लगा, और बाकी मैंने इसको ऑलरेडी ऑडियो साउंड सुना हुआ है और काफी लोगों ने इसको परचेज भी किया हुआ है। अगर आपको परचेज करना है, कोई डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दिया, फोन नंबर दिया, आप वहां पर भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी अपना कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालिएगा आपको प्रोडक्ट कैसे लिया। अगर आपने पहले भी बाय किया हुआ हमसे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये देखिए ये है जेब्रोनिक्स का 2X15L प्रो डीजे स्पीकर। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। फिलहाल तो मैंने रॉक का भी बनाया, इसका भी बनाया, पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं आप हमारी। और बाकी इसमें 15-15 इंच का जो ड्राइवर यूनिट है ना, ये देख रहे हैं 15 इंच का लगा हुआ है। हॉर्न ट्विटर लगा हुआ है और ये काफी प्यारा है। उसका रीजन क्या है, अगर आप इसको प्ले करते हो काफी अच्छी खुली जगहों में जैसे भी, इसका साउंड काफी पंचिंग है। लोग इसको रेंट पे भी देते हैं और शादी विवाह में, लेडी संगीत में, काफी सारे मल्टीपर्पज के लिए है। और बाकी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दिया हुआ है। इसका एमआरपी है अभी 44,999 रुपये चल रहा है। चलिए प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। ये है 7 बैंड इक्वलाइजर है, जैसे कि आप देख रहे हैं 7 बैंड इक्वलाइजर है। यहाँ पे दो माइक आप अलग से लगा सकते हैं। ये देखिए बेस ट्रेबल का ऑप्शन है, यहाँ से पावर ऑन ऑफ होता है। ये एलईडी जो लाइट आती है ना फ्रंट साइड में, लाइट पावर का बटन है। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में ना स्टैंड बाय मोड में होता है। ये देखिए आप बटन दबाएंगे, आप अपने यहाँ से इनपुट चेंज कर सकते हैं। माइक प्रायोरिटी का ऑप्शन है और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। फिलहाल जैसे आप देख रहे हैं माइक वॉल्यूम है, इको एडजस्ट कर सकते हैं, माइक का ट्रेबल बेस एडजस्ट कर सकते हैं, गिटार भी लगा सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए इसका गिटार, इनका यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, प्रोफेशनल कैरोके लाउड स्पीकर सिस्टम भी है। बाकी आप बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा। और बाकी मेरे हिसाब से तो दोनों ही प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं। चलिए क्यों ना अब हम एसेसरीज के बारे में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड अब हम देखते हैं कि जेबीएन का जो रॉक डीजे स्पीकर है उसका क्या क्या एसेसरीज आती है। साथ ही साथ जो जेब्रोनिक्स का है 2X15L प्रो डीजे स्पीकर उसमें भी क्या एसेसरीज आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जेबीएन रॉक का डीजे स्पीकर है। लुक वाइज देखिए कितना अद्भुत है, कितना प्यारा है। मेरे को तो इसका डिजाइन काफी अच्छा लगता है वाकई में। चलो भाई बाकी हम उसमें बात करते हैं एसेसरीज की। इसमें देखा जाए एक आपको एक रिमोट कंट्रोल आता है, एक केबल आती है आपस में दो स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए, और एक यूजर मैनुअल आता है। दो माइक आते हैं, यानी कि अगर आपको सिंगिंग करना चाहते हैं तो आप सिंगिंग कर सकते हैं। कैरोके कंपैटिबल है। ज्यादातर ये स्पीकर लोग कौन लेते हैं, जैसे सोसाइटी की पार्टी होगी आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं, घर के बाहर यूज कर सकते हैं, ऑफिस की पार्टी के लिए यूज कर सकते हैं। कई लोग इसको रेंट पे भी देते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और साथ ही साथ ये है कि अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, घर में कोई बर्थडे पार्टी हो गया, मान लो किसी की मैरिज है वहां पे आप यूज कर सकते हैं, लेडी संगीत में यूज कर सकते हैं, और कभी कोई फंक्शन तो आते रहते हैं। चलिए अभी हम दूसरा देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जेब्रोनिक्स का 2X15L प्रो डीजे स्पीकर है, और इसमें एसेसरीज में क्या क्या आता है। दो वायरलेस माइक आते हैं, एक रिमोट कंट्रोल आता है, एक यूजर मैनुअल आता है, एक केबल मिलती है आपस में कनेक्ट करने के लिए। ये आपको मिलेगी आरसी टू स्टीरियो केबल, ये मिलेगी आपको आरसी टू आरसी केबल, एक एफएम केबल मिलती है,
और ये एलईडी लाइट केबल मिलती है, मतलब एलईडी की लाइट के लिए इस प्रकार की केबल मिलती है। चलिए मैं आपको दोनों स्पीकर को बैक साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ, उससे संबंधित जानकारी देने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड अभी हम JBL ROG का बैक साइड दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा बैक साइड से दिखने में कैसा है। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये JBL ROG का है, और ये देखिए ऑडियो आउटपुट केबल है, जैसे ब्लैक और रेड का दिख रहा है यहाँ पे। ये वाली केबल इसके सेकंड वाला जो बॉक्स होता है इसकी इस तरफ लगती है, इसी प्रकार की लगती है, प्लस इस बॉक्स से एक केबल जा रही होती है एलईडी आउट, यानी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है एलईडी आउट में, सो दैट कि इस साइड की तरफ जो लाइट है वो ग्लो कर सके। इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा इसमें ऑडियो इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा FM एंटीना केबल है, ये एलईडी पावर है, यानी कि अगर आप फ्रंट साइड में एलईडी नहीं चाहते, यहां से अगर आप ऑफ कर दोगे तो फ्रंट साइड की एलईडी ऑन होना बंद हो जाएगा, यानी कि एलईडी ग्लो नहीं करेगी। और बाकी यह इसी प्रकार का ROG का। चलिए क्यों ना आप Jabronix का 2X15L Pro के बैक साइड के बारे में देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड ये राइट आउटपुट है, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं केबल, ये वाली केबल यहां लगती है इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लस ये एलईडी, अगर जो आप फ्रंट साइड में एलईडी जो लाइट ग्लो करना चाहते हैं साथ वाले बॉक्स में, तो ये केबल यहां पे लगाना जरूरी है। ये FM एंटीना की केबल है देखा जाए, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, और RCA इनपुट का ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। चलिए एटलीस्ट अब आपको आइडिया तो लगाना प्रोडक्ट के बारे में, तो चलिए क्यों ना अब हम ऑडियो टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोनों का। चलिए चलिए फ्रेंड अभी हम JBL ROG का ऑडियो टेस्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद Jabronix का 2X15L का, चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम फिलहाल JBL ROG से। ROG की लुक देखिए आप कितनी प्यारी है। फ्रेंड अभी हमने तो JBL ROG का ऑडियो टेस्ट किया, अब क्यों ना Jabronix का 2X15L का स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने ऑडियो टेस्ट स्टार्ट किया था, तो जैसे ओवरऑल अगर हम दोनों प्रोडक्ट की बात करें अपने प्राइस के हिसाब से तो दोनों ही प्रोडक्ट काफी शानदार है, और जो JBL ROG है उसका 240 वॉट है, RMS वैल्यू की बात कर रहा हूं। और बताना चाहूंगा जो Jabronix का 2X15L जो प्रो डीजे स्पीकर है उसकी RMS वैल्यू मेंशन नहीं है, तो बट ओवरऑल अगर मैं उसकी बात करूं, अगर हम उसकी जो साउंड की बात करूं 15L की, तो 15L इसका जो है 15 इंच पे है, 15 इंच में इसका ड्राइवर यूनिट है, तो आवाज काफी मतलब यू नो जब हम इसको प्ले करते हैं कोई बेस वाला सॉन्ग प्ले करते हैं काफी पंचिंग सा लगता है। और उसका MRP है 44,999 रुपए। अगर आपको बाय करना हो तो आपका जो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक है आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। और जो अपना जो JBL ROG है उसकी बात करना चाहूँ प्राइस के हिसाब से इसका बेस और ट्रेबल काफी ऑसम है। इन दोनों प्रोडक्ट में अगर हम खास डिफरेंस की बात करें, प्राइस का तो मेजर डिफरेंस तो है ही है, बट हर ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो अपनी जगह अनोखे हैं और अपनी जगह लाभदायक भी है। जैसे कि ये प्रोफेशनल लाउड स्पीकर सिस्टम है जैसे कि आप देख रहे हैं, और 7 बैंड इक्वलाइजर में आता है, और इसमें माइक प्रायोरिटी का ऑप्शन है, ये 5 बैंड इक्वलाइजर में आता है, और बाकी दोनों के साथ दो दो माइक आते हैं। बाकी आप बताइएगा आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालना, स्पेशली मैं इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ अगर आपने बाय किए हुए हैं तो मेरा जो पर्पज था आपको जानकारी देना वो पूरा हो चुका है। और हो सके तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड सर्कल में जरूर वीडियो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।